baby, wanna leave this town. I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing. ये सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल है। चैप्टर को लिखा है नानी फलकीवाला ने। तो चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। एलिंग का मतलब होता है हेल्थ का, स्वास्थ्य का खराब होते जाना। तो यहाँ किसका हेल्थ खराब हो रहा है? यहाँ हेल्थ खराब हो रहा है हमारा प्लैनेट अर्थ। ये क्यों खराब हो रहा है? ये हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, क्रांति, हरी क्रांति। तो हरी क्रांति का क्या रोल है, क्या फंक्शन है अर्थ को बनाए रखने में, अर्थ की बीमारी को सही करने में। तो ग्रीन मूवमेंट का मतलब, हरी क्रांति का मतलब हो गया कि एक ऐसी क्रांति जिस क्रांति के अंदर हम लोग अपने एनवायरमेंट को बचाने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम लोग अपने प्लैनेट अर्थ को बचाएंगे। चैप्टर के शुरुआत में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए। पहला वर्ड है हमारे पास अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। एक होलिस्टिक का मतलब होता है एक कंप्लीट अप्रोच। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो घर वालों ने क्या किया, उसको पढ़ने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। क्या ये एक होलिस्टिक अप्रोच है? नहीं, ये एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर मम्मी पापा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी किताबें जो है उसकी सही नहीं है, उस स्कूल में उसको ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा, उसका टीचर उसको ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, उसे फ्रेंड्स उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसकी कंपनी सही नहीं है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर हम हर फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं और उनको यूज करते हैं समस्या को, बीमारी को सही करने में। ओके, ऐसे एक पेशेंट है, उसकी जो बीमारी है वो बीमारी क्यों बन रही है, बार बार वो क्यों बीमार पड़ रहा है, तो होलिस्टिक अप्रोच के अंदर हम लोग हर फैक्टर को ध्यान रखते हैं और चीजों को सही करते हैं। ओके, एंड इकोलॉजिकल व्यू। इकोलॉजिकल व्यू का मतलब मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिम्स का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, और साथ में वो जिस एनवायरमेंट में, जिस धरती पर रह रहे हैं, हवा में, पानी में, उनसे क्या संबंध है। यानी कि ये सारे भारी फैक्टर इन सारे ऑर्गेनिम्स को कैसे हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में, अपनी जिंदगी को जीने में। तो इन सारे फैक्टर्स का, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है एक इकोलॉजिकल व्यू के अंदर। ओके, तो हमारा जो इकोलॉजिकल है वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, यानी कि हमारी जो अर्थ प्लैनेट है वो जो खराब हो रही है, जो एलिंग हो रही है, उसको सही करने के लिए हमको इन सारे फैक्टर्स का आपस में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसान लोग अपनी एक्टिविटीज से और बाकी के जो ऑर्गेनिम्स हैं उनको स्पॉइल कर रहे हैं, हवा को खराब कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि पूरी जो अर्थ है वो खराब हो रही है। ओके, और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज को सुधारेंगे और जिससे हमारी अर्थ जो है अच्छी और हरी भरी बनी रहेगी। दूसरा वर्ड है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब विकास, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम लोग काफी लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि बनाए रख सकते हैं। जैसे क्या हो गया कि हम आज बिल्डिंग्स बना रहे हैं और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हमको लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, और ईंटें हमको मिलती हैं मिट्टी से। हम मिट्टी को काट काट कर खोद खोद कर ईंटें बनाते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मिट्टी खत्म होती जा रही है। जब मिट्टी खत्म होगी तो क्या हो, क्रॉप नहीं हो पाएंगी। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं, धरती से लोहा निकाल रहे हैं, धरती को खाली करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, धरती के अंदर जो लोहा है उसका लेवल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, सारा लोहा हम लोग आज ही कंज्यूम कर लेंगे तो भविष्य के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा डेवलप करने के लिए। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो अनसस्टेनेबल है, यानी कि ये फ्यूचर में जाके नहीं बना रहेगा और अर्थ भी खत्म हो सकती है। ओके, तो ग्रीन मूवमेंट के अंदर, हरी क्रांति के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि धरती से धीरे धीरे करके लो, जिससे कि धरती क्या करे, अपने आप को रिकूपरेट कर पाए, यानी कि जो मिनरल्स हैं, जो चीजें हैं जो आपने धरती से ले ली हैं,
धरती उनको अपने आप में धीरे धीरे द्वारा से बना पाए। ओके, ऐसे क्या हो गया, हम पानी है, हम अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा पानी पिएंगे तो जो पीने का पानी है वो धीरे धीरे धरती में नीचे की तरफ जाता जाएगा, तो उससे क्या हुआ, जो पानी का लेवल है वो कम होता जाएगा और पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल पाएगा, और इससे क्या हुआ, पानी कमी आएगी और पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। तीसरा वर्ड हमारे पास लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब होता है कमजोर। ओके, तो इसका मतलब जो हमारी अर्थ है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे वर्ड्स का मतलब जो है इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, जो अर्थ हमारी अभी वो कमजोर हो गई है, वीक हो गई है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। चौथा वर्ड हमारे पास है इग्नामिनियस डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार, और इग्नामिनियस का मतलब होता है इंसल्ट वाला, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग, मतलब एक ऐसा अंधकार जो इग्नामिनियस है, जो हमारी इंसल्ट करने वाला है, हमारी विरक्ति करने वाला है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अभी हमने अपनी एक्टिविटीज को नहीं सुधारा, अभी हमने अर्थ को नहीं हरा भरा बनाया, तो भविष्य में जाके क्या होगा, एक ऐसा अंधकार फैल जाएगा जो हमारा इग्नामिनियस होगा, जो हमारी इंसल्ट करने वाला होगा, और फ्यूचर जनरेशन ये सोचेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। ओके, फिफ्थ वर्ड हमारे पास है इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है जैसे कि मैं काफी सारी बातें कह रहा हूं और उन सारी बातों के बीच में कोई नई बात ऐड कर रहा हूं, तो मैं इंटर एलिया वर्ड को यूज करता हूं। ओके, यानी कि काफी सारी बातों के बीच में इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ वर्ड हमारे पास है डेसिमाइट, डेसिमेटेड हमारी सेकंड फॉर्म है डेसिमाइट वर्ड की। ओके, इसका मतलब होता है विनाश कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, यानी कि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज से, अपनी गतिविधियों से धीरे धीरे करके प्लैनेट अर्थ को डेसिमाइट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। सेवंथ पॉइंट कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, डिप्लीशन का मतलब होता है चीजों का धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो लोहा है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस भंडार को, स्टॉक को डिप्लीट करते आ रहे हैं, खाली करते आ रहे हैं। जो हमारा क्रूड ऑयल है उसको सारा अगर आज ही यूज कर लेंगे तो क्या हुआ, उसका जो लेवल है धरती में वो क्या हुआ, डिप्लीट हो जाएगा, उसका स्टॉक डिप्लीट हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो डिप्लीशन है वो कैसा है, काफी कैटास्ट्रोफिक है, काफी भयंकर है, काफी विनाशकारी है, कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन। ओके, विनाशकारी खात्मा। जो एट्थ वर्ड है हमारे पास वो है ट्रांसेंडिंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब चिंता होता है और ट्रांसेंडिंग का मतलब यानी कि हर लिमिट को क्रॉस करके जाना, यानी कि ये जो चिंता है हमारी, यानी कि ये जो हमारी चिंता है वो क्या कर रही है, वो लिमिट को क्रॉस कर रही है, यानी हर जगह फैल गई है, यानी ये भयंकर समस्या बन चुकी है, भयंकर चिंता बन चुकी है, ट्रांसेंडिंग कंसर्न। Okay, अब मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। The following article was written by Nani, Palkhivala and published in the Indian Express on 24 November 1994. यानी कि जो चैप्टर है वो आर्टिकल है और जिसको लिखा था हमारा नानी पलखीवाला ने, और ये जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर को 1994 को। Okay, the issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. मैं आपको बता दूं, the Indian Express एक अंग्रेजी का अखबार है। Okay, तो क्या लिखा हुआ है, the issues, मुद्दे, समस्याएं जो कि ही मतलब नानी पलखीवाला ने जो उठाई थी, किसके संबंध में, अर्थ की गिरती हुई हेल्थ के बारे में वो लगातार रखती हैं, अपना संबंध रखती हैं, यानी कि उन बातों का, उन मुद्दों का आज के टाइम पर भी संबंध है। ओके, रेलेवेंस का मतलब होता है संबंध होता है, और डिक्लाइनिंग का मतलब खराब होते जाना, रिगार्डिंग का मतलब जुड़ी हुई बातें, यानी जुड़ा हुआ होना। तो क्या लिखा हुआ है, यानी वो मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे अपने आर्टिकल के अंदर, वो रखते हैं संबंध किससे, अर्थ की गिरती हुई हेल्थ से, जो आज भी अपना महत्व बनाए रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और अपना संबंध रखते हैं, यानी कि वे समस्याएं आज भी बनी हुई है। कौन कौन सी समस्याएं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एक नहीं रिकॉल कर सकता है, नहीं याद कर सकता है कोई भी आंदोलन वर्ल्ड की हिस्ट्री में, वर्ल्ड के इतिहास में, विच जो कि हैज ग्रिप्ड, जिसने कि पकड़ लिया था, यानी जो पकड़ चुका है इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, यानी कि जिसने पूरे इंसानों की जाति, इंसानों के रेस की इमेजिनेशन को
कैप्चर कर लिया था, यानी जो कैप्चर कर चुका है इतना कंप्लीटली और इतना रैपिडली जितना कि ग्रीन मूवमेंट कर चुका है, और जो कि शुरू हुआ था तकरीबन 25 साल पहले। ओके, क्या लिखा हुआ है? एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड नियरली 25 इयर्स एगो। कहने का मतलब क्या हुआ कि काफी सारे आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन जो ग्रीन मूवमेंट का जो आंदोलन था उसने इंसानों के सोचने समझने को, इंसानों की इमेजिनेशन को इतना जल्दी और इतना कंप्लीटली कैप्चर कर लिया है जितना कि कोई भी आंदोलन नहीं कर चुका है वर्ल्ड के इतिहास में। इंसान लोग अगर अपने एनवायरमेंट को, अपनी प्रकृति को, नेचर को नहीं समझेंगे तो धरती बचेगी ही नहीं। इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। क्या लिखा हुआ है कि 1972 में वर्ल्ड की पहली नेशन वाइड, का मतलब होता है पूरे नेशन के स्तर पर, पूरे नेशन के लेवल पर ग्रीन पार्टी बनाई गई हमारी न्यूजीलैंड में। ओके, यानी ये जो पार्टी थी, ये ग्रीन पार्टी थी जो हमारी नेशन वाइड थी, जो कि हमारे नेशन लेवल पर काम करती थी। सिंस देन, जब से क्या हुआ, ये मूवमेंट जो है इसने वापस मुड़कर नहीं देखा है। इसका मतलब ये मूवमेंट आगे बढ़ता जा रहा है और लोग चीजों को समझते आ रहा है कि हमारे एनवायरमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को बचाकर रखना जरूरी है। ओके, ग्रीन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका प्राइम मुद्दा होगा प्रकृति को बचा के रखना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इंसानों के अलावा उनको भी हेल्प करना, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, मछलियां सब आ गए। ओके, वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरेवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है कि हम शिफ्ट कर चुके हैं, यानी कि जो हमारा जो व्यू पॉइंट था, हमारा जो चीजों को समझने का तरीका था, वो कैसा था पहले, वो मैकेनिस्टिक था। मैकेनिस्टिक का कहने का मतलब हो गया कि किताबी था, यानी कि थ्योरेटिकल था। अब हमारा जो व्यू पॉइंट है वो कैसा हो गया, हमारा नजरिया कैसा हो गया, हमारा नजरिया हो गया एक होलिस्टिक हो गया है और इकोलॉजिकल व्यू हो गया है संसार का, यानी हम संसार को अब जो है कंप्लीट तरीके से और प्रकृति के टर्म्स में, नेचर के टर्म्स में, और उन और आपस में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और आसपास के वातावरण के साथ में क्या रिलेशन है, इस तरीके के व्यू पॉइंट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये जो हमारा शिफ्ट है वो कैसा है, इरेवोकेबली है। इरेवोकेबली का मतलब होता है कि जिसको हम लोग द्वारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, वन होप्स, और जैसा कि मतलब कोई आशा कर सकता है कि हमारा जो व्यू पॉइंट है हमारा अब होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट बन चुका है। Okay, it is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus. क्या लिखा हुआ है, ये शिफ्ट है human इंसानों के perceptions में, इंसानों के सोचने समझने के तरीके में, वो इतना क्रांतिकारी है, इतना revolutionary है जितना कि introduced किया था, बताया था, किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। ओके, यानी जो कोपरनिकस था, उस कोपरनिकस ने क्या किया था, उसने 16वीं शताब्दी में उसने बताया था, पढ़ाया था मैनकाइंड को, इंसानों को, कि अर्थ और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं सन के चारों तरफ। ओके, यानी कि इससे पहले, कोपरनिकस के बताने से पहले 16वीं शताब्दी में लोग सोचते थे कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, वो इस पूरे सोलार सिस्टम का, इस पूरे सोलार सिस्टम का सेंटर है। ओके, लेकिन बाद में आके कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, सन इस सोलार सिस्टम का सेंटर है और सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। इससे क्या हुआ, इससे इंसानों के सोचने समझने में काफी तरक्की हुई और उनका परसेप्शन बदला और उन्होंने चीजों को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को ढंग से समझना शुरू कर दिया। ओके, और फिर हमने ये समझना शुरू कर दिया कि वेदर कैसे होते हैं और इससे हमारी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो गई। ओके, तो यानी कि ये शिफ्ट है, ये बदलाव जो है, ये चेंज है, ये काफी रेवोल्यूशनरी है जितना कि कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस्ड किया था। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार इंसानों के इतिहास में, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ व्हिच वी आर पार्ट्स। ये बहुत सुपर धांसू बात की हुई है। इस बात का मतलब यह है कि पहली बार इंसानी इतिहास में क्या हो रहा है, एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर, एक कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता बढ़ती जा रही है, ग्रोइंग कर रही है कि अर्थ क्या है, अपने आप में एक लिविंग, एक जिंदा
ऑर्गेनिज्म है, ओके। जैसे कि इंसान लोग एक क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही जो हमारी अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एनॉर्मस बीइंग है, एक बहुत बड़ी बीइंग है, लिविंग एंटिटी है, जिंदा चीज है, जिसके हम लोग पार्ट्स हैं, जिसके हम लोग हिस्सा हैं, ओके। जैसे कि इंसान जो है उसके इंसान की बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो उसका हिस्सा है, ऐसे ही हम इंसान लोग और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस बड़ी अर्थ के एक क्या है, पार्ट्स हैं, ओके। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस व्हिच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, ओके। इस लाइन का मतलब बताने से पहले मैं आपको बता दूं मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है। जैसा कि इंसानों के अंदर जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि आंसू बनना, ओके, सेल्स का बनना, पेशाब बनना, पॉटी बनना, पसीना आना, दिल का धड़कना, सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वैसे ही अर्थ की अपनी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, जरूरत होती हैं, जैसे कि पानी का बनना, मिट्टी का बनना, मिट्टी बन रही है, चट्टानों का बनना, धरती का बनना, धरती बन रही है, ओके, पानी का बनना, मौसम का चेंज होना, धूप निकलना, ये सब अर्थ की क्या है, ये सब अर्थ की सारी की सारी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जरूरतें हैं। अगर ये जरूरतें अर्थ को नहीं मिलेंगी तो क्या अर्थ खत्म हो जाएगी, नए प्लांट्स नहीं बनेंगे तो क्या अर्थ खत्म हो जाएगी, ओके। मिट्टी अगर द्वारा से अपने आप को रिकूपरेट नहीं करेगी तो मिट्टी हमारी रेगिस्तान बन जाएगी, डेट्स बन जाएगी, बालू बन जाएगी, ओके। एंड वाइटल प्रोसेसेस, और ये सारी जो मैंने आपको बताई वो सब की सब हमारी जरूरी प्रोसेसेस हैं, व्हिच नीड टू बी रेस्पेक्टेड, और जिनको व्हिच नीड टू बी रेस्पेक्टेड, और यानी ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, ये सारी जो हमारी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा और उनको बचाकर रखना पड़ेगा, उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, व्हिच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, यानी कि जिनको जरूरत है रेस्पेक्ट दी जाने की और इनको बचाए रखे जाने की जरूरत है, इन मेटाबॉलिक नीड्स को और वाइटल प्रोसेसेस को। कहने का मतलब क्या हुआ, हमको अर्थ को टांग देना पड़ेगा जिससे कि अर्थ क्या करे, अपने आप को रिकूपरेट कर ले। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लकड़ियां काटते आ रहे हैं, जंगल काटते आ रहे हैं और अर्थ को मौका नहीं दे रहे हैं नए प्लांट्स उगाने का, तो अर्थ खत्म हो जाएगी। हम पानी यूज करते करते जा रहे हैं, अर्थ को मौका नहीं दे रहे हैं नया पानी बनाने का, तो अर्थ खत्म हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम बम पटाखे फोड़ रहे हैं, अर्थ को खराब कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम अर्थ को मौका नहीं देंगे हवा को साफ करने का, तो अर्थ खत्म हो जाएगी। समझा रहे आपको, इस तरीके से अर्थ को हमको मौका देना पड़ेगा, अर्थ को टाइम देना पड़ेगा अपनी वाइटल प्रोसेस को करने का। अगर अर्थ अपनी वाइटल प्रोसेस को नहीं करेगी तो अर्थ खत्म हो जाएगी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप हो इंसान हो, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और आपको दम ला के पढ़ाया जाए, आपको सोने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाए, आपसे खूब सारा काम करा जाए, तो क्या हुआ, आप खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। इसी तरीके से अर्थ को जरूरत है आराम करने की, ओके।